हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है। एंड मैं आई थी थोड़ा छत पे पौधे में पानी डालने, सारे में मैं डाल दी हूँ। एंड मम्मी जी तो आ जाएंगी वैक्सीन लेने। लेट्स सी क्या होता है, और मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड एक सेकेंड, और ये जो आम है आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अब इसमें है मसाला वगैरह, इसमें मैं डालूंगी। और अभी नहीं, आज मैं इसको सूख नहीं दूंगी, और अब मैं इसे इसमें ना कल मिक्स करूंगी प्रॉपर तरीके से। ये हो जाएगा, देख सकते हैं, ये मैं इसमें कल जितना भी मसाला होगा मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि अब हो गया ऑलमोस्ट ड्राई बेटर तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, इसलिए अभी तो दोपहर ही हो रहा है, लाइक 3 बज रहा होगा, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ अभी। एंड हवा बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, आप देख सकते हैं ये सब फ्लैग वगैरह कितना ज़्यादा उड़ रहा है। दिस इज कद्दू एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस कद्दू का पचका। और ये है बैटर। बैटर बेसिकली क्या चीज़ का है, बेसन का है, बेसन है एंड लहसुन है, और बहुत सारा मसाला लाइक चिकन मसाला, लहसुन, और इसको क्या बोलते हैं, जीरा बोलते हैं ड्रॉल, यही सब का मिक्सचर है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब, कभी कभी, हमेशा नहीं। और मम्मी जी गई है अभी वैक्सीन देने, लेट्स सी क्या होता है। बहुत तेज हो चुका है गर्म, लेट्स सी। और ये होने ही वाला है, लाइक गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये हो जाता है। और अगर आप इसके ऊपर काला नमक डालते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। कौन सा, उजला वाला? कौन? नहीं, सब कोई चल गया हमको छोड़ के। आप लोग कहाँ से लाई फूल, कहाँ से, कैसा रहा वैक्सीन का? देखिए मेरी प्यारी सी मम्मी जी को क्या हुआ, देखिए लिपस्टिक थोड़ी दिखाई ना इधर, कौन सी दिखा, बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैं जा रही हूँ इसको लगाने, मम्मी जी लाई हैं मेरे लिए। और आज गई थी ना वैक्सीन लेने, तो वो मिल नहीं पाया, तो शायद कल लेंगी या परसों आएगा देने घर पे। और आप वेदर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर है और हवा भी चल रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ इसको लगा देते हैं, बिकॉज़ फिर रात हो जाएगी ना। और सोच रही हूँ इसी में लगा दूँ, ये जो यही वाला फूल है, बट ये पिंक है और ये वाइट है। ये ऐसा,
सो एज यू कैन सी मैं लगा चुकी हूँ ये जो ये वाला था ना पिंक वाला उसी में, और मैं एक इसमें लगाई हूँ और दो छोटा छोटा था तो इसमें, और ये मेरा लगे अभी बन रहा है मैगी आप देख सकते हैं, और काफ़ी ईजी है मैगी बनाना। लाइक प्याज वगैरह फ्राई कर लीजिए और मैं डाली हूँ टमाटर एज यू कैन सी और मिर्ची, सब कुछ फ्राई करके फिर पानी डाल के और मैगी डाल के मैगी मसाला डाल के, और मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी थोड़ा सा और थोड़ा सा चिकन मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये हो जाएगा मतलब इसका जो पानी है सूख जाएगा तब मैं इसको सर्व करूँगी। और इधर से सीधा एक सेकंड, सो ये है मेरा मशीन आप देख सकते हैं सिलाई मशीन, और दूसरा सोच रही थी इसको लेने के लिए बट मैं ली नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये उषा का नोवा है और जो नॉर्मल मशीन आती है ब्लैक वाली, एक्चुअली वो मुझे नहीं चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा चाहिए था और ज़्यादा एडवांस भी नहीं चाहिए था, तो ये थोड़ा गुड लुकिंग है प्लस बहुत अच्छा भी है और ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, नॉर्मल मशीन है। और अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, एक्चुअली मैं नॉर्मल मशीन चलाई थी मम्मी का वो जानती हूँ, और इसका थोड़ा सा सिस्टम वगैरह अलग है, तो जब मैं इसे सीख जाऊँगी मतलब इसका क्या क्या बहुत सारा चीज़ चेंज है इसमें, नॉर्मल मशीन से थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ यहाँ पे लगाने का, पहले नॉर्मल में इधर रहता था बट इसमें इस इधर इधर है, एंड यहाँ पे लाइट्स भी दिया है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो प्राइस है वो सेम पड़ा है, लाइक जो इसका प्राइस है अप्रॉक्स 200 या 300 इधर उधर होगा नॉर्मल मशीन से जो आती है ब्लैक वाली, और इसका जो लुक है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। एंड ये हैंड वाली मैं ली हूँ क्योंकि मुझे तो ज़्यादा सीना नहीं था और ये नॉर्मल है इसलिए, और मुझे डेली बेसिस पे कुछ इधर उधर हो जाता था ना स्टिचिंग में तो वही मेरे को सीना था, सो इसलिए मैं ये मंगवाई हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं जब इसको प्रॉपर तरीके से सीख जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आप देख सकते हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैं यही ली हूँ। इलेक्ट्रिक वाला भी आता है आप ले सकते हैं बट ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा इसीलिए, और बस इसमें थोड़ा सा ये है कि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा प्लास्टिक का दिया है बट वीक नहीं है मतलब स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, अभी तो मैं यूज़ भी नहीं की हूँ एक भी बार, आज तो आया ही है तो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी सिलाई मशीन लेने का, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को इसीलिए। सो और ये उसका कवर, कवर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छा भी अच्छा क्या कवर इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो आपको सिर्फ ये मिलेगी लाइक इतना, ये जो उठ रहा है वो पार्ट, नीचे वाला पार्ट नहीं मिलेगा। एंड इसमें ना कुछ कुछ ये भी मिला है लाइक इसमें आप देख सकते हैं टूल वगैरह, मेजरमेंट टेप है और ये सब ये है, और ये धागा लपेटने वाला एंड सुई वगैरह है, और ये एक्स्ट्रा दिया है जो भी है अच्छा है। लेट्स सी, अभी तो मैं इसको एक बार भी यूज़ नहीं की हूँ, बस मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, दो तीन बार मैं ट्राई करूँगी तो हो जाएगा। एंड ये सब यहाँ रिवर्स का बटन है, पहले मैं खुद सीख जाऊँ उसके बाद आपके साथ वो शेयर करूँगी।